What is given? See, exam sum is this. Question number 2C. So Sun Mutual Fund provides you the following data. Sun Mutual Fund provides you with the following data related to unbalanced mutual fund scheme. Right? You are required to compute what? NAV on per unit basis. आपको NAV calculate करना है, okay? On 30th September 2018 का. So these are the required data. So क्या क्या data है बेटा? Manager salary. और मैंने क्या बताया बेटा? देखो manager salary, operational expenses. Expenses आपको दिया है, but यहाँ कुछ बोला नहीं outstanding. तो अगर कुछ नहीं बोला है तो आप assume करोगे कि ये expenses outstanding है. याद रखो. मैनेजर सैलरी पेबल है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पेबल है. म्यूचुअल फंड के केस में यहां अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो यू हैव टू एज्यूम दैट दीज मैनेजर सैलरी इज पेबल, ऑपरेशनल एक्सपेंस विल आल्सो बी पेबल. ओके, सो पेबल हो गया तो लाइबिलिटी हो गया बेटा. अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स तो आपका लाइबिलिटी है ही, ये तो डायरेक्टली बोला है पेबल. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये म्यूचुअल फंड का क्या है? इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया. और इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? असेट. इंटरेस्ट इनकम भी असेट. अब देखो इंटरेस्ट इनकम, इनकम बोला मतलब क्या हो गया इधर? रिसीवेबल इनकम, रिसीवेबल याद रखो, एज्यूम करना है. जैसे यहां एक्सपेंस दिया था तो एक्सपेंस पेबल एज्यूम करना है, यहां इनकम दिया तो इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल राइट, तो रिसीवेबल एज्यूम करना है. तो रिसीवेबल होगा तो क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, असेट. लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है आपने तो असेट हो गया भाई. म्यूचुअल फंड ने लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया तो असेट. डिविडेंड इनकम, अब इनकम आ गया, इनकम मींस रिसीवेबल, रिसीवेबल, रिसीवेबल याद रखो. तो डिविडेंड इनकम भी क्या हो गया? रिसीवेबल. और रिसीवेबल होगा तो असेट. कैश इन हैंड तो आपका असेट है ही बेटा. सो आपके पास देखो टोटल ये थ्री लाइबिलिटीज हो गई और आपके पास ये यहां से लेके यहां तक के असेट्स हो गए. ठीक है, तो अपना फॉर्मूला पता ही है, असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय, असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. तो आउटसाइड लाइबिलिटी में मोस्टली क्या रहता है यार? करंट लाइबिलिटीज. चलो अब अदर इंफॉर्मेशन, मतलब किसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है वो भी देखना है. सो फर्स्ट, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इज एप्रिशिएटेड बाय 15% ऑफ कॉस्ट व्हाइल अनलिस्टेड डिस्प्ले अ डाउनफॉल ऑफ 5% फ्रॉम कॉस्ट. ठीक है, लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर 15% से एप्रिशिएट हो गया. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर तो यही है ना बेटा आपका. अब इसमें लिस्टेड कितना अनलिस्टेड कितना वो तो पता नहीं अपने को. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में लिस्टेड कितना है अनलिस्टेड, तो उसके लिए देखो कुछ दिया है क्या नीचे लिस्टेड अनलिस्टेड के लिए. यस, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो. आउट ऑफ टोटल बॉन्ड्स कोटेड अबव 30% ऑफ देम आर अनलिस्टेड. 30% ऑफ देम आर अनलिस्टेड, मतलब ये जो 0.60 है ना उसमें से 30% आपका अनलिस्टेड हो गया. तो 30% निकाल दो अनलिस्टेड, दैट इज 0.18. बाकी 70% क्या हो जाएगा आपका? लिस्टेड. दैट्स इट. रिमेनिंग 70% विल बी लिस्टेड. खत्म, सिंपल. चलो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आपको दिया ही है 350,000 यूनिट्स, उसका तो कोई इशू है ही नहीं. और कुछ है? हाँ, अब ये आ जाओ, लिस्टेड अनलिस्टेड मालूम पड़ गया ना आपको. Now see, value of listed bonds and debenture is appreciated by 15%. So listed मतलब ये. अब listed bonds and debenture आपका 15% से appreciate हो जाएगा. Appreciate मतलब plus हो जाएगा. Right? Investment आपका increase हो जाएगा. और unlisted में क्या हो गया? Downfall हो गया. तो unlisted क्या हो जाएगा? Downfall of 5%. तो 5% से minus हो जाएगा. Unlisted मतलब ये 30% वाला 5% से minus. Okay, no problem. चलो, also calculate the amount receivable by an investor who wishes to sell 125 units at NAV as on 30th September 2018 with 5% exit load. और आपको calculate करना है कि अगर investor चाहेगा 125 units sell करना, 125 units sell करना at 5% exit load, बराबर है, तो कितना amount उसको मिलेगा? तो उसके लिए NAV तो निकालना ही पड़ेगा आपको. तभी मालूम पड़ेगा कितना अमाउंट मिलेगा. तो चलो लेट्स डू द कैलकुलेशन. सो फॉर दिस सी, लिस्टेड सिक्योरिटीज सेकंड नंबर एडजस्टमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं सॉल्व करते टाइम पे बताऊंगा. ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज वेर परचेज्ड व्हेन मार्केट इंडेक्स वाज 9500. ये जो लिस्टेड सिक्योरिटी है ना,
0.93 की, वो कभी परचेस किया था आपने? जब इंडेक्स था, मार्केट इंडेक्स था 9500 और करेंटली क्या हो गया 9300, तो इंडेक्स डाउन हो जाएगा तो वैल्यू भी डाउन हो जाएगा, तो अपने को तो करंट वैल्यू लेना है ना बेटा, करंट मार्केट वैल्यू जो होगा वही लेना है, तो उसके लिए वर्किंग नोट करूंगा मैं। तो चलो एवरीवन गेट कंपनी, क्या बेटा कंपनी नेम इज व्हाट? सन म्यूचुअल फंड। ओके चलो अभी अपने को सॉल्व करना है, और सबसे मेन क्या है अपने को, इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करना। सबसे मेन क्या करना है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उसी के ऊपर एडजस्टमेंट दिया ना आपको, तो इन्वेस्टमेंट क्या है अपना असेट, तो असेट का कैलकुलेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपके देखो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, लिस्टेड सिक्योरिटीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, खबर है कि नहीं, ये सब के ऊपर आपको एडजस्टमेंट है, मालूम पड़ा कि नहीं? क्लियर? तो चलो जब एडजस्टमेंट है तो पूरा ही कर लेते ना कैलकुलेशन ऑफ असेट। अच्छा कैलकुलेशन ऑफ असेट्स, व्हाट बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, असेट। चलो अब कैलकुलेशन ऑफ असेट करने के लिए डायरेक्टली एक नॉर्मल फॉर्मेट बना देता हूं मैं, पर्टिकुलर्स ठीक है, और ये रुपीज इन क्या है बेटा अपना, करोर्स में, रुपीज इन करोर्स। ओके चलो तो सबसे फर्स्ट असेट आपका कौन सा है, क्या दिया है सबसे पहला असेट अपने पास जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर लिस्टेड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स व्हाट बेटा, लिस्टेड, फर्स्ट वन इज व्हाट, लिस्टेड। राइट, अब ये लिस्टेड के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट, बरोबर डायरेक्टली क्या बोल रहा है देखो बता रहा हूं मैं, डायरेक्टली इट इज गिवन दैट कि जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, अभी देखो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर है कितना, सी द क्वेश्चन, ये आपको बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दिया कितना था, 0.6 दिख रहा है इधर, 0.6, अब क्या हुआ एडजस्टमेंट के बेसिस पे 0.6 का 70% लिस्टेड हो गया, तो चलो पहले लिस्टेड का क्या बोल रहा है, 70% जो लिस्टेड है वो एप्रिशिएट हो गया, दिख रहा है वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एप्रिशिएटेड बाय 15%। ओके तो आ जाओ कैसे दिखाओगे आप, हाउ टू शो इट, सो 0.60 आपका बॉन्ड्स एंड डिबेंचर है, उसका 70% बराबर है, उसका जो 70% है वो 15% से राइज हो गया, 15% से राइज हो गया, तो आप इससे अच्छा देखो अभी 0.60 का 70% फिर इक्वल टू करके ऐसा लिखने से अच्छा डायरेक्टली कर लो ना, कैलसी है ना आपके पास, तो 0.60 का 70% और वो 70% क्या हो गया, 15% राइज हो गया, 15% क्या हो गया, राइज, खबर है क्या हो गया बेटा, 15% से राइज हो गया, तो कैलसी लो फटाफट डायरेक्ट करो 0.60 × 70% प्लस का बटन दबाओ फिर 15% कर दो डायरेक्टली आ जाएगा आंसर कितना आ रहा है, वेरी गुड आर्यन, 0.483, वेरी गुड शांतन, 0.483, शाबाश, 0.483 क्या है, क्रोर्स में, याद रखना सब अमाउंट किस में है, क्रोर्स में, यस आर्यन ठीक है, मालूम पड़ा 0.483 क्रोर्स, सब क्रोर्स में, एवरीथिंग इज इन क्रोर्स याद रखो। चलो ये भी हो गया अपना, आ जाओ अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे फिर, ये तो लिस्टेड का हो गया ना, अभी अनलिस्टेड का आ जाओ, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स याद रखना, एक भी एरर नहीं होना चाहिए, एक भी एरर हुआ तो पूरा समझ आएगा, अनलिस्टेड बराबर है, पहला आपका हो गया लिस्टेड वाला हो गया, दिस इज व्हाट लिस्टेड, नाउ दिस इज व्हाट अनलिस्टेड,
बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अनलिस्टेड। बेटा अब अनलिस्टेड में क्या है, वही चीज वही फंडा 0.6। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर आपको पता है कितना आपका 0.60 है, यू नो दैट योर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इज 0.60, बट अनलिस्टेड कितना है, अनलिस्टेड है आपका 30%। सो 0.60 का 30%। अब बेटा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 5% फॉल, फॉल मतलब माइनस, तो -5% फॉल, राइट है, 5% फॉल, तो कर लो फॉल करो डायरेक्टली 0.60 इनटू 30% माइनस 5% कर लो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 0.171। शाबाश, क्या बात है, 0.171 परफेक्ट। तो ये सब रुपीज इन करोड़ है, याद रखो 0.171, वेल डन आर्यन, शाबाश, यस करेक्ट, 17,10,000 राइट। तो रुपीज इन करोड़ पे कन्वर्ट हुआ तो कितना हो गया 0.171। अब आ जाओ, ये भी हो गया बॉन्ड्स एंड डिबेंचर लिस्टेड भी हो गया अनलिस्टेड भी हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसके ऊपर है देखने का, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लिस्टेड सिक्योरिटी के ऊपर। ये देखो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है पहले वो काम कर लो पूरा खत्म, दिख रहा है आपको लिस्टेड सिक्योरिटीज ये रहा। अब इधर जरा समझ लो लिस्टेड सिक्योरिटी, नॉर्मल मैथ्स है, बचपन वाला मैथ्स यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज वेर परचेस्ड व्हेन मार्केट इंडेक्स वाज 9500। ये है लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी का रेट क्या है, कॉस्ट क्या था आपका 0.93, ठीक है। ये आपने जब परचेज किया था तो वो टाइम पे मार्केट इंडेक्स था 9500, मतलब 0.93 का कॉस्ट कभी था, जब मार्केट इंडेक्स था 9500। बट अपने को तो वी वांट व्हाट, करंट मार्केट वैल्यू, करेंटली मार्केट इंडेक्स इज व्हाट 9300। तो बेटा अगर इंडेक्स डाउन हो गया तो आपका शेयर वैल्यू या जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा, तो वो 9300 हो गया, इंडेक्स कितना हो गया 9300। तो चलो अब तो नॉर्मल मैथ्स है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मतलब आपका वैल्यू अभी कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का, 0.910, शाबाश 0.910 या 0.91, परफेक्ट। बस ऐसे ही करना है बेटा आपको, यू हैव टू डू इट लाइक दैट ओनली। तो चलो करते हैं फिर, और बस यही सब मेन एडजस्टमेंट है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अक्षत, श्रेया, वेल डन बेटा। तो आ जाओ नाउ, अब इसको हम प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर में, दैट इज लिस्टेड सिक्योरिटीज। व्हाट लिस्टेड सिक्योरिटीज, बच्चा लोग लिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में आपका एडजस्टमेंट जो है, सी क्या बोल रहा है एडजस्टमेंट में, सीधा सा फंडा 0.93, ये कभी था व्हेन मार्केट इंडेक्स था 9500, ठीक है 9500 आपका इंडेक्स था, एट दैट टाइम आपका वैल्यू था 0.93 करोड़, जब ही खरीदा था आपने, ये 0.93 करोड़ है। तो अभी करेंटली मार्केट इंडेक्स इज व्हाट 9300 मार्केट इंडेक्स, तो इंडेक्स शॉर्टकट में हम लोग इंडेक्स लिख रहे हैं, फिलहाल पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मार्केट इंडेक्स इंडाइसेस ये सब। तो अभी फिलहाल आपका वैल्यू हो गया था कितना 0.91, कैसे आया था, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, 0.93 मल्टीप्लाइड बाय 9300 डिवाइडेड बाय 9500 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये करने से आपको आंसर मिल गया था 0.91 क्रोर्स, 0.91 क्रोर्स, हाँ सीआर मतलब इधर क्रोर्स हो गया, ठीक है क्रेडिट नहीं है क्रोर्स, ठीक है ये भी हो गया अपना। चलो तो 0.91 आपका आ गया, बस वो आंसर हमने दिखा दिया 0.91, ओके लिस्टेड सिक्योरिटीज भी अपना डन हो गया। अब उसके बाद बाकी एसेट तो डायरेक्ट लिख लो,
उसमें तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, वो तो डायरेक्ट है। चलो बाकी एसेट्स में क्या क्या है अपना? इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम कितना है अपने पास? 0.32। फिर आपका क्या है? डिविडेंड इनकम है। क्या बेटा? डिविडेंड इनकम डिविडेंड इनकम कितना आपके पास? 0.10। और उसके बाद क्या है आपके पास? डिविडेंड इनकम के बाद कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड, अब वो कैश इन हैंड कितना है आपके पास? 0.24। ठीक है, कैश इन हैंड कितना आपके पास? 0.24। ठीक है, चलो टोटल असेट कितना हो गया? टोटल, फाइंड आउट द टोटल। टोटल असेट आपके पास कितना हो गया? टोटल मार लो सबका, कितना आ रहा है? कितना? 2.224। ओके, 2.224 ये आपका टोटल असेट हो गया। 2.224 क्रोर्स में आ गया। आंसर किसमें है ये याद रखो, क्रोर्स में आंसर है। ठीक है, 2.224 क्रोर्स याद रखना। अब क्या करना है सुनो आप सब लोग, देखो अब इसको है ना अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पता है क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये क्रोर्स में ना, तो क्रोर्स में कन्वर्ट करो। देखो क्योंकि फाइनली आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिख रहा है, इधर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया है? 3,50,000। ये तो पूरा दिया है ना, 3,50,000। इसमें तो कुछ ऐसा बोला नहीं है क्रोर्स में है, बराबर है? तो 3,50,000 आपको जब पूरा दिया है तो बाकी सब भी पूरा कन्वर्ट होना चाहिए ना बेटा। तो आपका आंसर कितना आया था? 2.224 क्रोर्स है ना, तो इनटू क्रोर्स करने के लिए क्या करोगे? 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैलसी लो और 1 करोड़ मतलब 70 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है? 2.224 इंटू 1 करोड़। बोलो किया तो कितना आ गया? सीधा ना जीरो लगा दे जाओ फटाफट, कितना हो गया बोलो? 2.224 इंटू 1 करोड़ कर दो, 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और क्यों कर रहे हैं हम लोग याद रखो, क्योंकि इधर नंबर ऑफ यूनिट्स जो डिवाइड करने वाला है वो रुपी, वो यूनिट्स इन क्रोर्स में कन्वर्टेड नहीं है, वो पूरा राउंड ऑफ फिगर है, तो अपने को सब राउंड ऑफ में लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 2 करोड़ 22 लाख 40,000। यस परफेक्ट, 2 करोड़ 22 लाख 40,000। 2 करोड़ 22 लाख 40,000 करेक्ट है। ठीक है चलो आ जाओ, ये हो गया। अब इसको खाली किधर साइड में लिख दो, बाद में हम लोग यूज कर लेंगे, तो इधर लिख देते हम लोग। Therefore, अमाउंट कन्वर्टेड इन क्रोर्स, तो कन्वर्ट किया तो कितना हो गया? 2.224 इंटू 1 करोर्स कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया अपना? 2 करोड़ 22 लाख 40,000। 2 करोड़ 22 लाख 40,000 यही था ना अमाउंट चेक करना, यही था ना सेम? यस ठीक है चलो हो गया अपना। असेट ही मेन था, मेन कैलकुलेशन आपका असेट के ऊपर ही है। अब आ जाओ, अब अपना निकालते हैं हम लोग एनएवी। चलो नाउ नेट असेट वैल्यू दैट इज एनएवी। अब एनएवी के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, पूरा फॉर्मूला यूज होना चाहिए। अब देखो सब आपने फॉर्मूला यूज किया, लेकिन फॉर्मूले में सब दिखना चाहिए जो जो आइटम्स है आपके पास। तो क्या क्या था पहले? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। क्या? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स लिस्टेड, एक एक करके इधर से यूज करो। फिर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर अनलिस्टेड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अनलिस्टेड, बराबर है? अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम रहेगा तो डायरेक्ट अमाउंट लिख देना, असेट, टोटल असेट।
एज अबव दिख रहा है इसके हिसाब से, तो कोई टेंशन नहीं, आपने किया ही है ना, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर टाइम कम रहेगा तो हाँ, नहीं तो अदरवाइज फॉर्मूला प्रेजेंट कर लेना। तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर लिस्टेड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर अनलिस्टेड, फिर उसके बाद क्या अपना लिस्टेड सिक्योरिटीज, राइट है, लिस्टेड सिक्योरिटीज के बाद क्या है इंटरेस्ट इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम, देन ऐड क्या किया आपने इंटरेस्ट इनकम के बाद डिविडेंड इनकम है और कैश इन हैंड है, प्लस डिविडेंड इनकम प्लस कैश इन हैंड, ये तो असेट हो गया। माइनस क्या करना आपको लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में आपके पास क्या है मैनेजर सैलरी है, मैनेजर सैलरी पेबल लिखना, मैनेजर सैलरी पेबल, और कौन सा लाइबिलिटी है प्लस कर दो ऑपरेशनल एक्सपेंस भी, लाइबिलिटी सारी जितनी भी रहेंगे सब एडअप हो जाएगा ना लाइबिलिटीज का, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पेबल, और कौन सा लाइबिलिटी है बेटा अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, तो ये सब आपका लाइबिलिटी भी हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। चलो आ जाओ करते जाओ अभी, अब देखो बेटा इक्वल टू बॉन्ड्स एंड डिबेंचर लिस्टेड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर अनलिस्टेड, लिस्टेड सिक्योरिटी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कैश इन हैंड, ये सब हमने इधर कर लिया, सबका कितना आ गया था टोटल 2,22,40,000, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया है, तो दिखा दो कितना आ गया है 2 करोड़, अब कर दिया तो फिर से थोड़ी लिखोगे, हो चुका है ना, 2,22,40,000 यही आया था। अब माइनस क्या करना है आपको, माइनस जो जो आपके पास लाइबिलिटीज है, बराबर है लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटीज में देखो एवरीवन, तो लाइबिलिटीज में अपने पास लाइबिलिटी कितना है देख लेते हैं, यस बेटा परफेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा आर्यन, तो लाइबिलिटी में देखो, लाइबिलिटी में सबसे पहला है आपके पास मैनेजर सैलरी, और वो मैनेजर सैलरी है कितना, यस अक्षत वेल डन बेटा करेक्ट आंसर है, मैनेजर सैलरी है ₹0.2 करोड़, अब 0.2 करोड़ को देखो 0.2 करोड़ है, 0.8 है, 0.25, सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आ जाओ, तो माइनस, अब बेटा 0.2 करोड़ मतलब कितना हो गया, 0.2 मतलब कितना हो गया 20 लाख, ठीक है, फिर और क्या देखो 2 करोड़ 20 लाख टोटल असेट हो गया माइनस लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में पहला तो ये हो गया मैनेजर सैलरी पेबल है, फिर और कौन सा लाइबिलिटी है ऑपरेशनल एक्सपेंस पेबल, ऑपरेशनल एक्सपेंस पेबल है 80 लाख, हाँ 0.8 मतलब 80 लाख, और जिसको नहीं समझेगा कैसे आया क्या करने का, 0.2 करोड़ है ना वो, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ कर दो, जो भी रहेगा 0.8 है मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ तो आपको मिल जाएगा, फिर और क्या है प्लस और क्या 0.25 मतलब 25 लाख, ठीक है 25 लाख फाइनली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है 3,50,000 यूनिट्स। अच्छा ये तो हो गया आपका 2,22,40,000 माइनस, उसमें से करना है कितना, अभी जरा लाइबिलिटीज का पूरा टोटल किया तो कितना आ रहा है 1,25,00,000 का टोटल आ गया डिवाइडेड बाय 3,50,000 यूनिट्स।
अच्छा इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 2,22,40,000 माइनस 1,25,00,000, ये माइनस किया तो कितना आया आंसर? 97,40,000 ओके 97,40,000 ओके बेटा, तो अब वो किया तो 97,40,000 आ गया डिवाइड बाय 3,50,000 यूनिट्स, तो फाइनली आपका एनएवी कितना आ गया निकाल लो, एनएवी नेट एसेट वैल्यू आ गया 27.83। वेरी गुड बेटा, 27.83 ये आपका एनएवी आ गया पर यूनिट, दिस इज व्हाट योर एनएवी पर यूनिट 27.83, ये आपका एनएवी हो गया ठीक है 27.83 पर यूनिट ठीक है, ये आपका एनएवी आ गया। अब उसके बाद आपको क्या बोल रहे बेटा, एनएवी तो ठीक है, एनएवी के बाद भी आपको क्या बोला है डायरेक्टली, अभी कैलकुलेट क्या करना है आपको, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बोल रहा है अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेलिंग वन यूनिट, अमाउंट रिसीवेबल कितना अमाउंट आप रिसीव करोगे अगर आप एक यूनिट बेचोगे तो, ऑन सेलिंग मतलब वो बोल रहा है 125 यूनिट्स का, लेकिन पहले एक यूनिट का तो निकाल लो, तो 125 का आराम से आ जाएगा। अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेलिंग वन यूनिट, तो बेटा आप अगर एक यूनिट बेचोगे तो आपको कितना रुपया मिलेगा उसके लिए, क्या देखो बेचोगे तो एक यूनिट का रेट क्या है आपका, वन यूनिट का रेट आया है, नॉर्मल सी बात है ट्रांजेक्शन किसमें होगा म्यूचुअल फंड में, एनएवी के बेस पे, एनएवी कितना आया है 27.83, तो फॉर्मूला क्या बनता है एनएवी, एनएवी का प्राइस मिलेगा और एग्जिट लोड है, इधर एग्जिट लोड है मतलब माइनस हो जाएगा, एंट्री लोड होता है तो प्लस, एग्जिट लोड होगा तो माइनस एग्जिट लोड, एग्जिट लोड चार्ज होगा तो भाई उतना पैसा कम मिलेगा ना। चलो तो एनएवी है 27.83 और एग्जिट लोड कितना है 5%, 5% ऑफ क्या 27.83 बराबर है, तो कर लो डायरेक्ट आंसर बताओ 26.44 ओके 27.83 माइनस 5% करेगा तो कितना आ जाएगा 26.44 यस परफेक्ट है, मतलब आप एक यूनिट बेचोगे तो आपको कितना रुपया मिलेगा 27.83 नहीं मिलेगा, हाँ अगर एग्जिट लोड नहीं होता ना तो आपको एक यूनिट बेचने पे कितना मिलता 27.83 जो एनएवी चल रहा है, बट एग्जिट लोड भी तो लगा है तो एग्जिट लोड कम हो जाएगा ना उतना माइनस हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा एक यूनिट बेचने पे 26.44 बेटा, अगर एक यूनिट बेचने पे 26.44 तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है टोटल रिसीवेबल टू सेल, टोटल अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेलिंग ऑफ 125 यूनिट्स, तो निकाल लो आ जाओ। देयरफॉर देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीवेबल, therefore total amount receivable to sell how many units 125 units तो अगर हम अपना 125 units बेचेगा तो हमको कितना मिलेगा, normal सी बात है 125 units बेच रहा है आप सेल करेगा और आपको रेट कितना मिल रहा है एक यूनिट पे 26.44 एक यूनिट का 26.44 मिल रहा है पर यूनिट, इसका मतलब 125 यूनिट्स बेचने पे आपको पूरा अमाउंट कितना आ जाएगा निकल 3,305 रुपीस, तो 3,305 रुपीज आपको मिलेगा आफ्टर व्हाट डिडक्टिंग एग्जिट लोड, आप अगर 125 यूनिट्स बेचोगे तो आपको 3,305 मिलेगा। अब जितना यूनिट ज्यादा बेचोगे उसके हिसाब से अमाउंट रिसीवेबल ज्यादा आएगा, बट एनएवी
जो रहेगा वो आफ्टर एग्जिट लोड आपका 26.44 ही होने वाला है. अब उसमें एक 125 यूनिट बेचो, 100 यूनिट बेचो या 1 यूनिट बेचो, दैट इज व्हाट डिपेंडेंट ऑन यू. क्लियर है? तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना यूनिट्स बेचना है. फिलहाल क्वेश्चन में दिया है 125 यूनिट्स, तो सबसे पहले क्या करने का, एक यूनिट बेचने पे कितना मिलने वाला है वो निकाल लेने का. बराबर है? तो एक यूनिट बेचने पे आपको, नॉर्मल सी बात है, बताया मैंने कि ट्रांजेक्शन जो भी होगा एनएवी रेट पे होगा. यस, बट यहाँ एग्जिट लोड बोला है ना बेटा, एग्जिट लोड रहेगा तो उतना लोड माइनस करना पड़ेगा ना आपको. तो उतना माइनस करने के बाद आपको कितना रेट मिलने वाला है मार्केट में, 26.44 के हिसाब से मिलेगा. बराबर है? सेल करोगे तो 26.44 मिलेगा. तो 125 यूनिट सेल किया इनटू 26.44 तो आपको मिल गया 3305 रुपीस, यू विल गेट इट, दैट्स इट. तो वही जो लास्ट में अपने को अमाउंट, देखो जो लास्ट में अपने को बोला है वही किया हमने. ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को कितना मिलेगा हु विशेस टू सेल 125 यूनिट्स. तो 125 यूनिट्स कौन से रेट पे बेचेगा, 26.44, क्योंकि आफ्टर डिडक्टिंग देख रहा है विद एग्जिट लोड होगा. तो दैट्स इट. तो ये था अपना सम, ये हो गया अपना फिनिश.